हेलो स्टूडेंट आज हम सांख्यिकी के अंतर्गत जो है माध्यिका ज्ञात करना देखेंगे जिसमें हम प्रश्नावली दशमलव एक का तीसरा प्रश्न से हल करेंगे मैं हूं परमानंद पटेल स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर तो आइए देखते हैं प्रश्न माध्यिका ज्ञात कीजिए माध्यिका मतलब लगभग मध्य वाला अगर किसी सं, किसी संख्या सीरीज जो दिया गया है इसमें अगर हम माध्यिका ज्ञात करें इसका मतलब ये होता है कि उस माध्यिका के पहले जितने संख्या हैं जितना मान है माध्यिका के बाद भी उतना ही मान जो है प्राप्त हमको होगा तो यहां पर जो है माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको दो टाइप से मिलता है जैसे यहाँ पर जो संख्या दिया गया है अगर ये सम में होगा तो अलग टाइप से ज्ञात करेंगे और यदि ये विषम में होगा तो अलग टाइप से ज्ञात करेंगे जैसे यहाँ पर एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ पद दिया गया है यानी कि सम है और अगर हम यहाँ पे पांचवा को देखें एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ यहां पर जो है विषम है तो जैसा भी हो सम हो या विषम हो फार्मूला थोड़ा सा चेंज रहता है दोनों में लेकिन हल करने का तरीका जो है वही रहेगा तो इसमें हम तीसरा को देखते हैं माध्यिका ज्ञात करने के लिए यहां पर जो भी संख्या दिया रहता है या जो भी आंकड़ा दिया रहता है उसको हम बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में पहले लिख लेते हैं मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर तो यहां पे बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटे को लिखना पड़ेगा कौन सा है चार उसके बाद पांच फिर छत उसके बाद आठ नहीं दिया है नौ उसके बाद दस ग्यारह बारह तेरह नहीं दिया गया है चौदह और उसके बाद दिया गया है पंद्रह दो दो चार दो छ आठ हो गया तो यहाँ पर जो है पदों की संख्या एन बराबर आठ जो कि कैसा है सम है इसलिए अगर हम माध्यिका ज्ञात करें तो माधिका का जो सूत्र है ये हो जाएगा माध्यिका बराबर एन बटे दो मान प्लस इसके बाद आ जाता है एन बटे दो धन एक वां पद का मान और पूरे का बटे हो जाता है दो अगर सम है तो ये वाला फार्मूला जो है लगाना होता है अब यहां पे एन की जगह में कितना रख लेंगे आठ तो यह हो जाएगा आठ बटे दो व का मान धन यहां पे भी वही करेंगे आठ बटे दो धन एक वा, पद का मान और पूरे का बटे क्या हो जाएगा दो आठ बटे दो यानी कि कितना आएगा चार तो उसको चारवां न लिख करके हम क्या लिख देंगे चौथा लिख देंगे चौथा पद का मान धन आठ बटे दो यानी कि चार हो गया और धन एक यानी कि पांच हो गया तो यहां आ जाएगा पांचवा पद का मान और पूरे का बटे दो अब यहां जो बढ़ते क्रम में लिखा गया है वहां पर चौथा पद और पांचवां पद को छांट के लिख देंगे ये पहला दूसरा तीसरा चौथा तो चौथा में कितना है सात धन पांचवा पद कितना है नौ तो सात धन नौ बटे दो तो नौ सात सोलह बटे दो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आठ और ये हो जाता है हमारा माध्यिका तो जब यहाँ पर पदों की संख्या जो है सम हो तो ये फार्मूला लगा करके हम माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं अगला प्रश्न देखते हैं एक कक्षा की 11 छात्रों का भार किलोग्राम में निम्न प्रकार है 25, पच्चीस सत्ताईस उनतीस बत्तीस तीस ऐसे करते करते लास्ट में है 34। इनकी माध्यिका ज्ञात करो जैसे कि बताया गया था कि पहले हम उसको क्या करते हैं बढ़ते क्रम में लिखते हैं बढ़ते क्रम में लिखते समय ध्यान रखना कोई भी संख्या छूटना नहीं चाहिए तो इसमें सबसे छोटा संख्या तो हमको दिख रहा है पच्चीस यहां पर लिख देता हूं मैं पच्चीस पच्चीस के बाद है ये आपका छब्बीस उसके बाद सत्ताईस तो ये पच्चीस के बाद हो गया छब्बीस हो गया सत्ताइस हो गया सत्ताईस के बाद यहाँ पर है अट्ठाईस उनतीस तीस अट्ठाईस उनतीस तीस तीस के बाद जो है यहाँ पर है इकतीस बत्तीस इकतीस बत्तीस बत्तीस के बाद जो है देखते हैं चौतीस पैंतीस फिर इकताचालीस चौतीस, पैंतीस इक्चालीस चौंतीस पैतीस इक्चालीस तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ एन बराबर मतलब कितने संख्या है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह एन बराबर ग्यारह कैसा है विषम है और यदि विषम होता है तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है माध्य बराबर होता है एन धन एक बटे दो व पद का मान अब यहां पर एन के जगह कितना लिखेंगे ग्यारह धन एक बटे दो व पद का मान अब यहां पे देखिए ग्यारह और एक बारह बारह बटे दो तो 12 को दो से भाग भाग देंगे तो आएगा छ तो ये हो गया छठवां पद का मान अब ये जो बढ़ते क्रम में लिखे हैं उसमें छठवां पद आप देख लीजिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां तो यहां पर कितना आया तीस और यही जो है क्या हो जाएगा इसका माध्यिका हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाता है तीस अब पांचवा प्रश्न देखते हैं कक्षा आठवीं के छात्रों ने विज्ञान प्रतियोगिता में निम्नानुसार अंक प्राप्त किए तिरासी इकसठ अड़तालीस तिहत्तर छिहत्तर बावन सड़सठ इकसठ और उन्यासी उपरोक्त आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए तो जैसे कि बोला गया था जो भी संख्या हमको दिया गया है उसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटा संख्या यहाँ कौन सा दिख रहा है बावन तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूं बढ़ते क्रम में लिखने पर और पहला इसमें आ गया आपका बावन बावन के बाद त्रेपन चौवन पचपन छप्पन तो नहीं दिख रहा है अच्छा बावन के पहले एक और था अड़तालीस था तो मैं इसको पहले लिख देता हूं अड़तालीस उसके बाद बावन और बावन के बाद बावन के बाद ये यहाँ पे सीधा मेरे ख्याल से इकसठ ही दिख रहा है और इकसठ भी दो ठो है इकसठ 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 के बाद सड़सठ सड़सठ के बाद अड़सठ उनहत्तर तो है नहीं सत्तर भी नहीं है इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर भी नहीं है सीधा सीधा है छिहत्तर छिहत्तर के बाद डायरेक्ट दिख रहा है अच्छा अच्छा सड़सठ के बाद तिहत्तर है तिहत्तर के बाद छिहत्तर है तिहत्तर और ये छिहत्तर अब इसके बाद क्या बचा तिरासी बचा है यहाँ पे और उन्नासी बचा है तो आ जाएगा उन्यासी और उसके बाद तिरासी कितना संख्या एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ यहाँ भी नौ होना चाहिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ठीक है तो यहाँ एन बराबर नौ। सम है सम। सम है सम है कि विषम 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 निश्चित रूप से तो यही सूत्र लगेगा माध्यम बराबर एन धन एक बटे दो पद का मान एन की जगह में हम कितना रखने वाले हैं नौ धन एक बटे दो इधर लिख देंगे वहाँ पद का मान अब यहाँ पे नौ और एक दस दस को दो से भाग दोगे तो क्या आएगा पांच तो यहाँ हो गया पांचवा पद का मान पांचवा पद देख लीजिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कौन सा आ रहा है यहाँ पे सड़सठ और यही हमारा माध्य हो जाता है यानी कि आंसर हो जाता है तो इस प्रकार से आज हमने दशमलव एक में माध्यिका से संबंधित जो है प्रश्न देखा तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में